परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार गंगा के तट पर बैठे थे और गंगा के ऊपर ध्यान कर रहे थे, है कि नहीं? कभी कभी हम नैसर्गिक वातावरण में रहते हैं ना, ये सब साक्षात्कार आते हैं। अगर आप गंगा के इस तट में बैठोगे, आप देखोगे कि गंगा का पानी बहता रहता है। तो वैसे समय ही किसी के लिए रुकता नहीं है, चलता रहता है, इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो महाराज ऐसे बैठ के गंगा पे ध्यान कर रहे थे और सडनली देखते हैं एक ईगल, एक बांज नीचे उतरता है, पानी में छलांग लगाता है और अपने पैरों में एक मछली को उठा के लेके जाता है। तो महाराज के मन में ये साक्षात्कार था, ये मछली तो बेचारा तैर रहा था, उसको क्या पता उसका अंतिम दिन है, जैसा रेगुलर दिन है वैसे ही तैर रहा था, और उसको पता नहीं था वो अंतिम दिन है। तो वैसे ही हम सब जिंदगी जीते रहते हैं, पर हमको कभी पता नहीं चलता कि एक दिन अंतिम दिन आने वाला है। वन डे इज वॉन्ट बी द लास्ट डे। तो जिंदगी जीने का सबसे बुद्धिमान तरीका है ये भाव में रहना, शायद आज का दिन अंतिम दिन है, टुडे इज डे इज माई लास्ट डे। अगर ये भाव में रहेंगे ना, हम बहुत फोकस के साथ भक्ति कर पाएंगे, विल बी एबल टू बी वेरी फोकस्ड एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं ये दो चीज का हमेशा स्मरण करना, कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए हमको क्या करना है, डरना है नहीं, इसलिए हमको दूसरा चीज का स्मरण करना है, होली नेम ऑफ कृष्णा इज दी ओनली रियालिटी। भगवान कृष्ण का नाम एक ही चीज है जो सत्य है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम ही वकील। पूरा दुनिया माया का नगरी है कि नहीं? जो दिखता है अभी स्ट्रांगली हमारे सामने वो है ही नहीं, समय के साथ सब कुछ चला जाता है। भगवान कृष्ण विराट रूप के माध्यम से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अल्टीमेट जीत भगवान का ही होता है समय के रूप में। ही इज द मोस्ट विक्टोरियस पर्सन। चाइनीज में एक कहावत है, देयर इज अ प्रोवर्ब इन चाइनीज, ये कहावत इस प्रकार है, एट द एंड ऑफ अ चेस गेम बोथ द किंग एंड द पॉन गो इन द सेम बॉक्स। चेस गेम समाप्त हो गया, चेस गेम में ना होता है राजा रानी यू नो जो भी है घोड़े इत्यादि और वो सैनिक इत्यादि होते हैं, पर गेम समाप्त हो गया तो क्या होता है, वही बक्से में राजा भी जाता है और सिपाही भी जाता है, सब समाप्त। तो टाइम इज द अल्टीमेट न्यूट्रलाइजर, मतलब समय सबके लिए एक ही है, सबका नाश करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीवन। इसलिए हमको याद रखना है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम, एक ही चीज सत्य है, दैट इज एक्चुअली दी होली नेम्स ऑफ कृष्णा, बाकी सब टेम्पररी है। इसलिए व्यक्ति का जब अंत होता है, किसी का देहांत होता है, लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, क्योंकि उस समय लोगों को साक्षात्कार आता है राम नाम सत्य है, और उस समय बोल के क्या फायदा, हमको हमेशा याद करना है राम नाम सत्य है। लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद बोलने का ये विषय है राम नाम सत्य है, जिंदगी भर हमको ये हमेशा बोलना है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरे नाम एव केवलम सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। तो अगर हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हमको समय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भागवतम वर्णन करता है आयुर हरति वही पुंसा, सूरज के उदय और सूरज के अस्त से, सूर्य अस्त से हमारे जिंदगी से एक एक दिन चला जाता है, ठीक है नहीं? स्पेशली जो लोग काम करते हैं, गृहस्थ है, वो जानते हैं कि दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है नहीं? सुबह उठो, नौकरी को जाओ, आते आते शाम हो गया, शाम में थोड़ा बहुत माला कर लिया, थोड़ा पुस्तक पढ़ लिया, एक दिन चला गया, एक हफ्ता चला गया, ऐसे ही हफ्ता महीना साल ऐसे ही निकलते हैं। तो जब दिन जाता है, सूर्यास्त होता है, इसका मतलब क्या है, एक दिन हमारे जिंदगी से गट गया, व्यक्ति मृत्यु के निकट और आ रहा है, इज कमिंग क्लोजर टू डेथ। बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, हैप्पी बर्थडे, पर एक्चुअली इसका अर्थ क्या पता है, इसका अर्थ है जिंदगी में एक साल गट गया, वन ईयर इज गॉन, हम एग्जाम के और निकट आ रहे हैं। जैसा व्यक्ति एग्जाम के निकट आता है, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है कि नहीं, जून जुलाई में उसका समय साल शुरू होता है, अप्रैल मई में उसका एग्जाम होता है, अभी एग्जाम के जितना निकट आता है उसको और गंभीर बनना है कि कम गंभीर बनना है, उसको और सीरियस बनना है। तो वैसे ही दिन बीत रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, मतलब हमको और सीरियस बनना है, बिकम मोर सीरियस इन भक्ति, हमको ये गेम समाप्त करना है, फिर से आना नहीं है, वी डोंट हैव टू, वी शुडंट बी कमिंग बैक हियर, हमको भगवत धाम जाना है, उसके लिए वी हैव टू बी एक्चुअली लिटिल सीरियस एंड वेरी कॉन्शियस ऑफ टाइम।
हमको समझना है कि समय कम है और ये जिंदगी में कैसा ना कैसा वी हैव टू ट्राई टू परफेक्ट अ लाइफ। Thank you.